तो कल हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात की थी, आज हम सेल यूनिट का लास्ट चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसकी बात करेंगे। तो काफ़ी लोगों का जैसे हुआ नहीं है यूनिट, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, तो ध्यान से समझना है। बहुत धीरे धीरे चलूंगा मैं, जहाँ डाउट हो मेरे को बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? तो सेल डिवीजन आज हम आराम से करेंगे। आ जाएंगे जितेंद्र सर, देखते हैं, बोलना तो था उन्होंने, बट लेट ही आएंगे वो क्लास होने के बाद। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सेल साइकिल से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज सेल साइकिल और सेल डिवीजन करने के बाद, कल के चैप्टर मुझे लगता है काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, तो इसको ख़त्म करने के बाद हम कल के डाउट्स देखेंगे। तो बात करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। तो आपको पता ही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनिज्म जितना मर्जी बड़ा है, चाहे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारी तरह बड़ा है, या फिर चाहे एलिफेंट है या ब्लू व्हेल है, जितना मर्जी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, सब ने अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है एक सिंगल सेल से ही। हमारे केस में क्या होता है वो सिंगल सेल? जाइगोट, ठीक है? इसके बारे में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट, तब इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो अब क्या लिख कहते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इन डीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं सेल्स के एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो सेल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू टू। एक सेल है वो दो में डिवाइड होते हैं, वो दो बोले जाते हैं उसके डॉटर सेल्स। फिर आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी, ये दो डॉटर सेल्स फिर आगे दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जो दो सेल होंगे ये इसके दो डॉटर सेल होंगे, ठीक? अब क्या कहते हैं, ऐसे ही ये साइकिल चल चल के एक सेल से लेके मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स तक बना सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो सेल ग्रोथ क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल, ठीक है? तो ये सारा सिक्वेंशियली होगा कि सबसे पहले वो जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, फिर वो जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल्स के, जो ऑर्गेनल्स हैं, उनको सिंथेसाइज करेगा और फिर इवेंचुअली डिवाइड कर जाएगा। तो ये सारी सीक्वेंस को सेल साइकिल बोलते हैं। अब सेल ग्रोथ में क्या होता है कि सेल ग्रोथ हो रही है, मानो कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है। तो अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, अगर एक नॉर्मल सेल है उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता जा रहा है, बट उसका जो डीएनए है, जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल है, वो तो उतना ही रहेगा अगर सिर्फ वो ग्रो कर रहा है, अभी डिवाइड नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा कि जो क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर वो है, रेशियो है, एक चीज़ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, मतलब ये बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि डीएनए सॉरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी साइकिल का, किसी भी सेल का। अगर ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो वो दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसलिए अगर सेल सिर्फ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता रहेगा तो उसका रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करता है, ठीक है? तो इसके बारे में आगे और ज़्यादा जानेंगे, अगर अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। अभी ये देखो, सो सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बट डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। तो सेल ग्रोथ तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होगी सेल साइकिल के। एंड द रेप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स, डीएनए हुआ जो रेप्लीकेट, विच इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और विच इन टर्न इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। कि जो सब भी हो रहा है, ये कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही आता है, सब जेनेटिक कंट्रोल में है, ठीक है? चलो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर की फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि ह्यूमन सेल है, दिस सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। सो एक दिन में एक बार पूरी सेल डिवीजन एक हो जाती है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में, बट ये बहुत ज्यादा वेरिएबल है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। एग्जाम्पल यीस्ट है, यीस्ट भी यूकेरियोट है, लेकिन दैट डिवाइड्स वंस इन अराउंड 90 मिनट्स। और कल हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूकेरियोट से थोड़ा जल्दी डिवाइड करते हैं, ठीक है? उनकी सेल साइकिल थोड़ी छोटी होती है। अब सेल साइकिल को हमने बेसिकली दो मेन फेज पे डिवाइड किया है, टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। सो एम फेज इज द माइटोसिस फेज, ये है मेन फेज जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है, कि सेल एक
से दो बन रहे हैं, वो कहाँ हो रहा है, एम फेज में हो रहा है. एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस फेज. हम सिंपल अभी क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं माइटोसिस की, ठीक है. और जो उसके बीच में है इंटरफेज, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं. ऑल दो बोलते रेस्टिंग फेज है, बट सेल रेस्ट नहीं कर रहा उस टाइम पे. सेल एम फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है. तो वो क्या करेगा उस टाइम पे, सेल डीएनए अपना क्या कहते हैं डबल करेगा और सेल ग्रोथ करेगा. तो ये सब प्रिपरेशन चल रही है एम फेज के लिए, ठीक है. और इंटरफेज होता है दैट इज अराउंड 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल. ये सेल साइकिल जितना टोटल ड्यूरेशन है, मान लो कि 24 आवर्स है ह्यूमंस में, उसका 95% इंटरफेज में होता है. और जो एक्चुअल सेल डिवीजन है दैट इज द एम फेज, दैट लास्ट फॉर अराउंड 1 आवर ओनली, ठीक है. तो 1 आवर के अराउंड ही लास्ट करती है एम फेज. एम फेज में होता क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोल देते हैं, एंड दैट इज फॉलोड बाई डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोकाइनेसिस. यानी कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, ठीक है. और लास्ट में ये दो साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, तो दो सेल बन जाएंगे, दो डॉटर सेल, ठीक है. सो न्यूक्लियस का ऐसा होना, दिस इज कैरियोकाइनेसिस एंड फॉलोड बाई डिवीजन ऑफ सेल. कहाँ गया वो, एक सेकेंड. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोकाइनेसिस. सो जो हमारा इंटरफेज है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है. G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. सो G1 फेज इज गैप 1 फेज, S फेज इज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज इज गैप 2 फेज. चलो अब S का मतलब क्या है, सिंथेसिस. सिंथेसिस किस चीज की, DNA की. तो हम एक एक करके G1, S और G2 फेज के बारे में पढ़ते हैं. सो G1 फेज क्या होता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन. माइटोसिस ये हो रहा है सारा, DNA रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज द G1 फेज. इस टाइम पे क्या करता है, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इट कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स DNA, ठीक है. इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है कि G1 फेज में रेप्लीकेशन ऑफ DNA नहीं होती, वो सिर्फ S फेज में होती है. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे G1 फेज की. G1 फेज मैंने क्या बोला था कि कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लीकेशन. एंड मेन बात क्या है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटीन्यूअसली ग्रोज बट इट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स DNA, ठीक है. तो ये बात हो गई G1 की. अब आता है मेन S फेज. S फेज है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस ऑफ DNA. सो DNA रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द S फेज. द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स. सो अगर हमने इनिशियल 2C बोला है तो लास्ट अल्टीमेटली 4C हो जाएगा. बट ये ध्यान रखना आपको, देर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. तो 2N है वो 2N ही रहेगा. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको अलग से समझाता हूँ. देखो यार, क्रोमोसोम हमने बोला था कि क्या होता है कि क्रोमेटिन होता है, जो थ्रेड ऑफ DNA है. जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है तब उसको क्रोमोसोम बोलते हैं. तो हमने जैसे क्रोमोसोम की कल पिक्चर देखी थी ना सेल में, कि ये क्रोमोसोम होता है ना, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी. कल मैं आपको दिखा देता हूँ, कल वाला परसों देखा था जो हमने. ये देखो, ये उसकी पिक्चर थी और ये था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. लेकिन हमने ये देखा था कि क्रोमोसोम इज ओनली विजिबल इन द डिवाइडिंग सेल्स. सो ये जो डबल वाला ये कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स के लिए. तो अब देखो, ध्यान से सुनो, ये क्रोमोसोम है डबल होने के बाद, मतलब DNA डबल होने के बाद. लेकिन जो ये होता है सेंट्रोमियर होता है, ये एक ही होता है. जब भी हम सेल के अंदर क्रोमोसोम गिनते हैं तो हमें क्रोमोसोम डायरेक्टली नहीं दिखते, मतलब दिखते हैं लेकिन हम काउंट करते हैं सेंट्रोमियर देखते हैं. सो इनिशियली जो क्रोमोसोम होते हैं उनका सिंगल एक होता है ऐसा, और एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है. तो ऐसे जैसे मैंने 3-4 बनाए हैं, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में हर एक सेल में, ठीक है. लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 46 क्रोमोसोम्स और ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ वन क्रोमेटिड. इसको क्रोमेटिड बोल देते हैं, ठीक है. एस फेज में होगा क्या, यहाँ पे जो DNA है वो DNA डबल हो जाएगा. सो एक ये वाला क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, ये क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा, एक ये बना, ये डबल होके ये बना. लेकिन जो सेंट्रोमियर है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, दैट इज स्टिल ओनली वन. तो इसलिए ऐसे अब 46 हो जाएंगे, ठीक है. सो अभी भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे,
ऑल्दो डीएनए अमाउंट डबल हो गया है बट क्रोमोसोम स्टिल 46 रहेंगे क्योंकि सेंट्रोमियर डब सिर्फ 46 है, लेकिन जो क्रोमेटिड है वो 92 हो जाएंगे. सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो बस आपको पूरी सेल साइकिल बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. मैं दोबारा एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन हमारा है डीएनए. चलो इनिशियल शुरू से बताता हूँ. डीएनए हमारे पास बहुत लंबा, जो हमने कल देखा था कि अराउंड 2 मीटर पर सेल. सो डीएनए जब थोड़ा सा अपने आप में वाउंड होता, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाता है प्रोटीन्स के साथ मिलके, तो एक स्ट्रक्चर बनता है क्रोमेटिन. ये होता है नॉर्मली हमारे सेल्स में. लेकिन जब सेल क्या कहते हैं डिवाइड करना शुरू करता है तो दिस क्रोमेटिन कंडेंसेस, कि ये और छोटा और थिकर बन जाता है. ठीक है, ये ऐसा बन गया, ये बन जाता है क्रोमेटिड. सो इस क्रोमेटिड के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इसको हम क्रोमोसोम भी बोल देते हैं. इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ये रही वो कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं. सो ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में रेस्टिंग टाइम पे. द रेस्टिंग टाइम पे क्रोमोसोम नहीं होते ऑल्दो, बट मान लो कि क्रोमोसोम होते हैं तो 46 होंगे. ठीक है, अब एस फेज में ये इस क्रोमोसोम को डबल कर देगा सेल, इस क्रोमेटिड का एक और सिस्टर क्रोमेटिड बना देगा. तो इवन दो जो सेंट्रोमियर है वो सिंगल ही रहेगा, तो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे अल्टीमेटली, बट 92 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे. समझे? अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो यही क्लियर करो इसको. मेरे को अभी बताओ कि किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो अभी बताओ, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब ध्यान से समझना है. सो एस फेज में सेल ने क्रोमेटिड का नंबर डबल कर दिया बट क्रोमोसोम उतने ही रहे. ठीक है ना, चलो. सो नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. अब समझ में आ गया कि 2n है अगर कोई तो वो 2n ही रहेगा. अब इन एनिमल्स डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, सो एस फेज में क्या हो रहा है एनिमल्स में, डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है न्यूक्लियस में और उसी टाइम पे सेंट्रियल डुप्लीकेट कर रहा है साइटोप्लाज्म में. फिर सेल जाता है अगले फेज में. एस फेज के बाद कौन सा फेज है, जी टू फेज है. जी टू फेज में क्या होता है, द सेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स. सो द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज. सो जी टू में क्या होगा, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और सेल उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा जो माइटोसिस में चाहिए. ठीक है, चलिए. अब कुछ सेल्स होते हैं एनिमल्स में जो क्या कहते हैं डिवीजन बंद कर देते हैं, कि उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया. फॉर एग्जांपल हार्ट सेल, आपके हार्ट सेल डिवाइड नहीं करते, हार्ट सेल जितने हैं उतने ही रहते हैं कार्डियोसाइट्स आपके. और बाकी कुछ सेल्स होते हैं जो तभी डिवाइड करेंगे जब कोई इंजरी है या सेल डेथ हुई है. फॉर एग्जांपल लिवर सेल, कि लिवर आपने किसी का लिवर था ट्रांसप्लांट करने के लिए इतना निकाल दिया, तो ये वाला लोब जो आपने ट्रांसप्लांट किया है और ये जो लोब जो इसमें बचा है, डोनर में बचा है, सो ये लोब से यहाँ पूरा लीवर बन जाएगा और इस वाले लोब से यहाँ पूरा लीवर बन जाएगा. ठीक है, तो लीवर नॉर्मली क्या कहते हैं डिवाइड नहीं करेंगे लीवर सेल्स, बट तभी डिवाइड करेंगे जब कोई इंजरी है या सेल डेथ हुई. सो ऐसे जो सेल्स होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं जीवन फेज को और एक इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं जी नॉट स्टेज. ठीक है, तो जी नॉट स्टेज क्या है, जी जीरो स्टेज बोल देते हैं. जी नॉट स्टेज इज कि इनएक्टिव स्टेज है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा. सो सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलीफरेट्स. ठीक है, तो कब तक नहीं प्रोलीफरेट करते, जब तक अनलेस द ऑर्गेनिज्म कॉल्स इट टू डू सो. कि जब तक ऑर्गेनिज्म कहेगा नहीं कि हाँ भाई मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है अब कि सेल को दोबारा डिवाइड करना है, तब तक वो जी नॉट फेज में ही रहेगा. चलो, अब इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स. ठीक है, तो सोमेटिक सेल क्या होते हैं, बेसिकली बॉडी के सारे सेल्स को सोमेटिक सेल बोल देते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे गैमेट्स होते हैं, कि जो स्पर्म्स हो गए मेल्स में या जो ओसाइट्स हो गए फीमेल्स में, ये होते हैं गैमेट्स. बाकी जो हमारे सेल हैं, हार्ट सेल है, लिवर सेल है, स्किन सेल है, सब कुछ सोमेटिक. ठीक है, तो जो भी हमारे सोमेटिक सेल्स हैं दे डिवाइड, वो डिवाइड करते हैं किससे, माइटोसिस से. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हैप्लोइड सेल. हैप्लोइड सेल का मतलब क्या है, कि नॉर्मली 2 pairs ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2n. हैप्लोइड का मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम है, जैसे कि n जो होता है स्पर्म्स में या ओसाइट्स में, या कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि मेल हनीबीज, उनमें भी हैप्लोइड सेल होता है, तो वहां पे भी डिवीजन किस पे होगी, माइटोसिस पे होगी.
mostly mitotic cell division is only seen by diploid somatic cells. Exceptions are present where haploid cells survive mitosis, example male honeybees. ठीक है, बस ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको. इन प्लांट्स बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल्स शो माइटोटिज्म. जो ये हमने बात की थी अभी, वो सिर्फ एनिमल्स के लिए, प्लांट्स में दोनों हैप्लोइड सेल भी डिप्लोइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं. अब शुरू करते हैं हम माइटोसिस का पहला फेज, एम फेज. मतलब एम फेज इज माइटोसिस. सो एम फेज है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिविजन हो रही है, बट इसकी कितनी थी, सिर्फ 1 आवर के अराउंड थी इसकी पूरी ड्यूरेशन. सो अब एक चीज लिखी है कि सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. तो माइटोसिस होती है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. और जो अदर टाइप ऑफ डिवीजन है, मायोसिस है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो अभी हम बात करें इक्वेशनल डिवीजन की. इक्वेशनल क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम सेम है पेरेंट में और प्रोजेनी सेल में. सो अब हमने क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़ने के लिए हमने डिवाइड तो कर दिया कि कैरियोकाइनेसिस जो है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, उसकी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. बट ये याद रखना है आपको कि ये सेल ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमने डिवाइड किया आर्टिफिशियली जिससे कि हम अच्छे से पढ़ पाए. सेल तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, तो कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं है कि हाँ यहाँ प्रोफेज खत्म हुआ, अभी यहाँ मेटाफेज शुरू हुआ. नहीं, सेल तो अपना काम कॉन्टिन्यूसली करे जा रहा है. हमने बस ईजिली उसको समझने के लिए उसको 4 स्टेजेस में तोड़ दिया है. ठीक है, तो ये कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है यहाँ पे. चलो, सो वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस. अब बात करते हैं हम प्रोफेज की. सो प्रोफेज में क्या होता है कि इन द एस एंड जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरट्वाइंड. मतलब क्या कि जो हमारा डीएनए था क्या कहते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में, वो अभी भी ऐसा ही है एस और जी टू फेज में, बस वो डबल हो गया, लेकिन अभी भी इंटरट्वाइंड है बहुत ज्यादा. लेकिन प्रोफेज में क्या होता है कि इसकी कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, कि अब क्रोमोसोम के तरफ बन रहा है, कि क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो प्रोफेज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. सो द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन. ठीक है, सो जो टेंगल्स थे, जो आपस में फंसा हुआ था, अब वो अनटेंगल होके कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो गई है. हमने देखा था कि एस फेज में जो सेंट्रोसोम था, उसने भी डिवाइड डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया था. अब जो ये वो है, क्या बोलते हैं, हमारा सेंट्रोसोम है, इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. ठीक है, तो प्रोफेज के कंप्लीट होने पे हमें क्या क्या दिखेगा कि द क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या दिखेंगे कि द क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. ठीक है, और दूसरी क्या चीज थी कि जो सेंट्रोसोम था, which duplicated during interphase, it begins to move towards opposite poles of the cell and each centrosome radiates out microtubules called esters. So the two esters plus spindle fibers milke kya banate hain, mitotic apparatus banate hain. Iski mujhe koi bhi bahut achhi picture nahi mili, but still jo mili hai wo dekh lo ki ye centriole hai. Is centriole se kuch astral spindle fiber nikal rahe hain. Theek hai, सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ऐसे ही जो ये क्या कहते हैं क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर जा रहे हैं, इनको बोल देते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर. तो ये दोनों मिला के क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर ये बनाते हैं माइटोटिक अपैरेटस. ठीक है, ये पोलार स्पिंडल फाइबर भी होते हैं कुछ जो क्रोमोसोम पर अटैच नहीं होते, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आपको बस इतना याद रखना है कि एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर है और जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, वो मिलकर बना देते हैं माइटोटिक अपैरेटस. ठीक है, बस इतना याद रखो, बहुत है. चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज अंडर द माइक्रोस्कोप गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप आर नॉट विजिबल. कहाँ गए ये सब लोग? ये डिसइंटीग्रेट हो गए, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो गया और वो इतना छोटा हो गया, उसके इतने पार्ट्स हो गए कि वो अब दिख ही नहीं रहा आपको. ठीक है, तो वो गायब नहीं हुए, वो मरे नहीं है, बस वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अपने डिवाइड हो गए हैं. और जब सेल वापस डिवाइड करके दो अलग अलग सेल बन जाएंगे, तो दोबारा इकट्ठे होकर वो दोबारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देंगे. ठीक है, सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज. एनसीईआरटी में दो में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में. सो लेट प्रोफेज में इन्होंने दिखाया है कि जो ये है न्यूक्लियर एनवलप है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रही है. ठीक है, लास्ट में खत्म ही हो जाएगी प्रोफेज खत्म होने तक. चलो,
अब बात आती है मेटाफेज की। अच्छा मैं याद करने का बता देता हूँ, वो कैसे याद रखना है। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होते हैं ना, तो पी मेट तो एक इनका वही है, क्या कहते हैं, एक्रोनिम है वो, तो चलो ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको इंडिविजुअल कैसे याद रखना है कि प्रोफेज, प्रो का मतलब होता है सबसे पहले, मतलब प्रो के कई सारे मतलब होते हैं, उनमें से एक मतलब होता है कि सबसे पहले वाली स्टेज। सो प्रोफेज टेक्स प्लेस सबसे पहले, ठीक है। फिर आती है बात मेटाफेज की, मेटाफेज को कैसे याद रखोगे, मेटाफेज का मेन वो क्या है, मेटाफेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेंटर, मतलब इक्वेटर है जो सेंटर है वहां पे आके लाई करते हैं। तो एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडल, ठीक है। सो मिडल में आके सारे क्रोमोसोम लाई कर रहे हैं, कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में। चलो सो मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। बाय दिस स्टेज द कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस इज द आइडियल स्टेज स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजिली स्टडीड, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्टेज में मॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो दैट इज मेटाफेज। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। तो ये रहे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये जो है, और यहाँ सेंट्रोमियर में ये एक दूसरे के साथ है। अब हमने कल काइनेटोकोर्स पढ़े थे कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रोमियर्स पे, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड का अपना अपना एक अलग अलग काइनेटोकोर होगा। ये देखो इसका, इस वाले का ये रहा, इस वाले का ये रहा। काइनेटोकोर पे होता क्या है, काइनेटोकोर पे आके ही स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, और स्पिंडल फाइबर कहाँ से बने थे, जो सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर बनाए थे वो आके अटैच कर जाएंगे इस पे। नाउ द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाई ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाई इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाई इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल, ठीक है। ये लिखी है बात, अगर किसी को समझ में नहीं आई तो ईजी मतलब ये है कि ये दोनों सेंटर में आके लाई कर गए सारे क्रोमोसोम, मतलब टोटल ये 46 होंगे, लेकिन इतने दिखाने मुश्किल है, इसलिए हम सिर्फ 4 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। सो एक सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर जो स्पिंडल फाइबर है वो एक पोल से आया है, और जो उसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है उसके लिए स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल से आया है, ठीक है। सो इक्वेटर पे आके डिवाइड किए, एक यहाँ अटैच करेगा इस पोल से, एक अटैच करेगा इस पोल से। सो मेटाफेज में मिडल में आके लाई कर जाएंगे, ठीक है। और जो तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है कि जहाँ पे जिस प्लेन पे सारे क्रोमोसोम आके अलाइन किए हैं उसको हम बोल देते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। सो की फीचर्स ऑफ मेटाफेज क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। चलो आई होप आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं एनाफेज पे। सो एनाफेज कैसे याद रखना है, एनाफेज याद रखना है कि ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अवे, कि अब जो आपके क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है, सिस्टर क्रोमेटिड है, दे आर पुल्ड अवे, ठीक है। सो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम व्हिच इज अरेंज्ड एट द मेटाफेज इज स्प्लिट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स, यानी कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के, बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम, कि जो यहाँ पे ये थे ये स्प्लिट हो गए, तो ये इधर जाना शुरू हो गए और वो उधर जाना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ जब ये पहुंच जाएंगे तो एक ये न्यूक्लियस बन जाएगा डॉटर सेल का, और ये दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा। सो ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। और याद रखना है कि वो जाते कैसे हैं, तो हमें दिखता है कि जो उनका सेंट्रोमियर है कि जहाँ से वो अटैच थे वो फेस कर रहा है टूवर्ड्स पोल, और जो क्रोमोसोम की आर्म है वो फेस कर रही है सेंटर की तरफ, ठीक है। सो सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, दिस इज द लीडिंग एज एंड द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड, ठीक है। चलो तो बात हो गई, सेंट्रोमियर ने स्प्लिट किया, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए एंड क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट फेज। अब आती है लास्ट टेलोफेज। सो टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या थी, कि न्यूक्लियस की डिवीजन होनी थी। सो टेलोफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स
एंड दे डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. ठीक है, तो जो रेस्टिंग स्टेज में होता है कि सारा न्यूक्लियर मटेरियल एक साथ वो होता है, मिक्स होता है और एंटेंगल्ड होता है, दोबारा ऐसे ही हो जाएगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस शुरू हो जाएंगे और सारे क्रोमेटिन आके आपस में एंटेंगल हो जाएंगे. ठीक है, सो ड्यूरिंग टेलर फेज क्या हो रहा है कि ये तो हो ही रहा है कि एट द बिगिनिंग द क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, सो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमेटिन मटीरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स. सो अपार्ट फ्रॉम द अबव और क्या होगा, द न्यूक्लियर एनवलप जो खत्म हो चुका था, कहां लेट प्रोफेज में खत्म हो चुका था, दैट डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्म्स टू डॉटर न्यूक्लियाई. और जो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गायब हो गए थे सेल से, वो दोबारा बन जाएंगे, सो दे ऑल रीफॉर्म. तो ये है टेलोफेज का एंड की दो न्यूक्लियस अब बन चुके हैं. अब सेल क्या करेगा, अब सेल करेगा साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब कि अब सेल क्या कहते हैं, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये थोड़ा डिफरेंट होता है, एनिमल सेल्स में अलग होता है, प्लांट सेल्स में अलग होता है. एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों एंड से पिंच करना शुरू करती है और फिर लास्ट में जाके जब आपस में मिल जाती है तो दो सेल बन जाते हैं. प्लांट सेल्स में क्योंकि सेल वॉल है तो वहां पे क्या होता है कि सेंटर से ऐसे बढ़ना शुरू होता है और जब ये पहुंच जाता है यहाँ पे तब डिवाइड होता है. ठीक, ये डायग्राम देखो मैंने जो बनाया है, मैंने जो निकाला नेट से. सो एनिमल सेल में क्या हो रहा है कि यहाँ से साइटोप्लाज्म जाना शुरू हो रहा है, क्लीवेज फरो बन रही है और ये फिर आके डिवाइड हो जाएगा. प्लांट सेल में अलग होता है, प्लांट सेल में क्या होता है कि जो हमने सेल प्लेट देखा था उस दिन, नहीं हमने क्या देखा था, मिडल लैमिला देखा था जो हमने. सो मिडल लैमिला से सेल प्लेट बनती है और क्या कहते हैं ये जब वापस जाके यहाँ पे अटैच हो जाती है तब ये दो में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, so in plant cells wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls. The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. ठीक है ना, जो हमने उस दिन सेल के बारे में पढ़ा था. एंड अब एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स. तो जितने भी ये वाली जो ऑर्गेनल्स थे ये याद रखना कि ये गायब नहीं होते. गायब कौन कौन से होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस, ये सब होते हैं. बट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये डिवाइड करते हैं और फिर ये इक्वल डिवीजन या फिर मतलब आपस में जो डॉटर सेल्स बने उनमें डिवाइड हो जाते हैं. ये होता है मोस्टली हर एक सेल में, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता. तो मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया बट सेल डिवाइड नहीं किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया. तो इससे क्या बन जाएगा, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन जाएगी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, बताओ इसको क्या बोलेंगे. सब एनसीईआरटी वाले सामने खोल ही रखी है तो उसे क्वेश्चन पूछने का फायदा होता नहीं है. सामने से जो है लिख देता हूँ, सिंसिशियम बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है, वो सिंसिशियम होता है. सिंसिशियम मतलब मल्टी न्यूक्लियस, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस. चलिए अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की. सो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जेनेटिक क्या कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया है, सेम का सेम रहा है. सो माइटोसिस से क्या होता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं यानी कि 2N विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट. द ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस. ठीक है, जो ग्रोथ होती है हमारे अंदर, आपके अंदर की जो बच्चे थे हम फिर बड़े हो गए, सब कुछ होता गया, वो माइटोसिस की वजह से पॉसिबल है. सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. मैं पहले बोल रहा था कि सेल ये न्यूक्लियस, सेल बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस अगर सेम रहा तो जो रेशियो है वो डिस्टर्ब कर जाएगा. सो इस रेशियो को रिस्टोर करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा कि दोबारा इतने इतने दो सेल बन जाए. ठीक है, ये रेशियो को रिस्टोर करना काफी जरूरी होता है. एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, कि जैसे आपका स्किन है या आपकी लाइनिंग ऑफ दी गट है या ब्लड सेल्स हैं, इनको कॉन्टिन्यूसली बनाना पड़ता है. सो वो सेल कैसे बनते हैं, वो भी माइटोसिस से ही बनते हैं. ठीक है, और प्लांट्स में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन इन दी मेरिस्मेटिक टिश्यूज, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दी अपाइकल एंड दी लैटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ. अनलाइक मोस्ट एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ. कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे शार्क है, हम बोलते हैं कि शार्क का हमें पता ही नहीं वो कब तक डिवाइड करती है, भाई वो हमेशा डिवाइड करती रहती, ग्रो करती रहती है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती.
मोस्टली एनिमल्स एक सर्टेन पीरियड के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं. सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं जिन्हें रिप्लेस होना है, बट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बंद हो जाएगी. जैसे ह्यूमंस में 20 या 21 ईयर्स इन मेल्स और 17 या 18 ईयर्स इन फीमेल्स के बाद हाइट बोलते हैं ना, रुक गई, क्योंकि अब हमारी बॉडी ने मेनली ग्रो करना बंद कर दिया है. ठीक है, सो ये था माइटोसिस. अब तक इसमें किसी को कुछ डाउट है तो वो बताओ. अभी बाहर के क्वेश्चंस मत पूछना, उसके लिए मैं बीच में टाइम दूंगा. अभी तक जो मैंने बोला उसमें कोई डाउट है तो वो बताओ. शार्क के बारे में बताना कुछ. मैं बोल रहा था कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको जो अपनी पूरी लाइफ में बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. शार्क एक एग्जाम्पल है उसका. ठीक है, कोई ऐसी ऐसी मतलब बस बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है. जीनोट में सेल एग्जिट करता है क्या? एग्जिट करता है. जिस भी सेल को आगे डिवाइड नहीं करना वो जीनोट में एग्जिट कर जाएगा, कि जीवन के बाद जीनोट आएगी और वो फिर उसे एग्जिट कर जाएगा. ठीक है, शार्क कैन नेवर डाई, ऐसा नहीं है. डेथ तो होती ही है, लेकिन हमें वैसे अब तक ये भी नहीं पता कि उसकी ओरिजिनल लाइफ स्पैन कितनी होती है. डेथ होती है, आपस में लड़के होगी या कुछ भी होगी, बट जब तक वो मरेगी नहीं तब तक वो बढ़ती रहेगी. ठीक है, सस्पेंड और एग्जिट डिपेंड करता है कौन से सेल्स हैं. लीवर सेल सस्पेंड होंगे जीनोट सेल जीनोट में, लेकिन अगर हार्ट सेल्स हैं वो एग्जिट कर जाएंगे. भाई जीनोट में ही रहेंगे बट वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, चाहे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे सेल डेथ हो जाए, लेकिन फिर भी मायोसाइट्स अपने आप से डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, 2019 में सवाल था, क्या था सवाल? जीनोट में सेल एग्जिट करता है क्या, उसके बाद में डिवाइड नहीं करेगा? नहीं, जीनोट में सेल सस्पेंड है, उसके बाद भी डिवाइड कर सकता है. सस्पेंड होगा आंसर इसका. ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगी तो वो सेल वापस से G1S G2 पूरा करके, M-phase पूरा करके दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, बस वो टेम्परेरीली सस्पेंडेड है वहां पे. कोई पूछ रहा है, प्रोफेज में ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट होती हैं या साइटोप्लाज्म में ग्रोथ की वजह से नहीं दिखाई देती? डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब कि जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो अलग अलग हमने देखे थे ना, ऐसे सिस्टर ने थे या क्या बोलते थे उनको, जो भी थे वो अलग अलग के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ चला गया, कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट वहां चला गया, लेकिन जब बाद में सेल फाइनली डिवाइड होकर अलग हो जाते हैं, सॉरी, जब लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं टेलोजेनेसिस में, तब दोबारा वो ऑर्गेनल्स दोबारा बनने लग जाते हैं. ठीक है, प्रोफेज बता दो सर, एक बार बता देता हूँ. प्रोफेज स्टार्टिंग का मिस हो गया था ड्यू टू नेटवर्क इश्यू, कोई बात नहीं, मैं दोबारा थोड़ी देर में करा लूंगा, इसके अलावा कोई नहीं है ना. चलो, प्रोफेज एक और ने पूछा हुआ है, प्रोफेज प्रोफेज देख लो दोबारा. सो प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज, प्रो का मतलब ही होता है सबसे पहले. सो जो डीएनए मॉलिक्यूल बने थे, डबल हुए थे, वो इंटरट्वाइंड है, कि क्रोमेटिन एक साथ ऐसे आपस में उलझे हुए हैं, तो इनकी कॉन्डेंसेशन स्टार्ट होती है. कॉन्डेंसेशन बेसिकली क्या है, कि इतना बड़ा क्रोमेटिन मॉलिक्यूल जो आपस में है बहुत छोटे छोटे होके ऐसे थोड़े थिक हो जाते हैं और अलग अलग होने लग जाते हैं. ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये थोड़े अलग होने शुरू हो गए. ये शुरू कहाँ पे होता है? ये शुरू होता है प्रोफेज में. ठीक है, सो प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटीरियल. द क्रोमोसोमल मटीरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. और दूसरा क्या था? दूसरा था कि जो सेंट्रोसोम थे, जो कि इंटरफेज के टाइम पे डिवाइड डुप्लीकेट हुए थे, वो सेल के ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, कि एक सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा, एक सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा. ठीक है, सो ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम. ठीक है, और क्रोमोसोम ये जो हमारे बन गए, लेकिन फिर भी ये इनकी जो बेस्ट मॉर्फोलॉजी होती है वो हमें नेक्स्ट उसमें दिखती है. कंडेंसेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, जब सबसे अच्छे दिखेंगे हमें, वो होता है हमारे मेटाफेज में. ठीक है, और जो हमारे दूसरी चीज कहती है कि सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. और सेंट्रोसोम क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक फाइबर पूरा नेटवर्क निकालते हैं, जिनको हम एस्टर्स बोलते हैं. तो दीज एस्टर्स प्लस दीज क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स आर कलेक्टिवली नोन एज माइटोटिक अपैरेटस. ठीक है, स्टार्टिंग में जिसका मिस हुआ था, आई गेस यही होगा स्टार्टिंग में जो था. अगर इसके अलावा भी कुछ हुआ तो हम बाद में कर लेंगे. चलो, अभी माइटोसिस से किसी के डाउट है, बाहर के कोई हो, वैसे भी ब्रेक लेना है या थोड़ी देर में ले ले. क्रोमोनिमा क्या होता है यार? ये क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमा, क्रोमोमोर्स, ये सब क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ये आपके लेवल के नहीं है, आपको नहीं याद रखने है. ठीक है, तो इसको छोड़ो अभी आप. ठीक है, इसको छोड़ो. फिर कोई बोल रहा है, जीनोट फेज में सेल साइकिल को सस्पेंड करेगी या फिर एग्जिट? एनसीईआरटी में एग्जिट लिखा है. नहीं, पढ़ो ढंग से क्या लिखा है. एनसीईआरटी में लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ.
These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle. So वो एग्जिट क्या कर रहे हैं, जीवन फेज को कर रहे हैं, बट वो स्टिल सेल साइकिल के अंदर हैं एक पार्ट में जिसको जी नॉट फेज बोलते हैं. तो क्विसेंट स्टेज है जिसमें वो सस्पेंडेड स्टेज में रहता है. ठीक है, तो ये कहीं लिखा कि एग्जिट कर देगा वो सेल साइकिल को, नहीं. तो अगर आपने एग्जिट वर्ड देखा इसका मतलब नहीं कि एग्जिट लिखा है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस का मतलब समझो. ए माइटोसिस पूछ रहा है कोई. ए माइटोसिस होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होती, बस हैफाजार्डली डिवीजन हो जाती है कि न्यूक्लियस है उसमें क्या कहते हैं भाई जो डिवीजन हुई है उसमें ऐसे इक्वल डिवीजन नहीं होगा कि किसी में क्रोमोसोम थोड़ा ज्यादा चला गया, किसी में जेनेटिक मटेरियल थोड़ा कम चला गया. तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, और तीसरा क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो वो इंटैक्ट रहेगी. वो होता है ए माइटोसिस में, वो लोअर एनिमल्स में होता है, लेकिन आपके उसका एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो कोई नहीं पूछेगा वो आपसे. हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच फेज. हिस्टोन्स तो हमेशा रहेंगे ना यार, हिस्टोन्स के बिना डीएनए वो कैसे रहेगा, क्रोमेटिन में कभी नहीं होगा ना. डीएनए इतना लंबा है, हमने पढ़ा था कि 2 meters होता है एक सेल में, तो उसको क्रोमेटिन के फेज में बनाने के लिए, उसको कॉइल करने के लिए हिस्टोन तो हमेशा चाहिए ना, तो हिस्टोन तो हमेशा ही रहेंगे. तो सिंथेसाइज किस फेज में होंगे, नए डीएनए के लिए जब बाकी सब कुछ सिंथेसिस हो रहा है तभी हो रहा होगा. बट ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, बट अगर आया तो फिर मैं थोड़ा रिसर्च करके बता दूंगा आपको. ए माइटोसिस अभी बताया ना मैंने, ए माइटोसिस में क्या होगा, लोअर एनिमल्स में न्यूक्लियर डिवीजन विल हैपन विदाउट द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेट नहीं करेगी, और जो जेनेटिक मटीरियल है जो क्रोमोसोम्स है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि किसी में थोड़ा ज्यादा हो गया, किसी में थोड़ा कम हो गया. चलो फिर कोई पूछ रहा है क्रोमोसोम के टेलोमेयर के नंबर ऑफ कैपेबल सेल डिवीजन से, वो अगले साल जेनेटिक्स मतलब पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स में शायद नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स स्टार्ट करूंगा तब बता दूंगा. कोफैक्टर्स बता दो फिर से. ठीक है, कोफैक्टर्स बाद में बता दूंगा, अभी जो पहले चैप्टर खत्म करके. फिर एक क्वेश्चन है, कहां गया, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फेज, G1, S और G2. G1 होता है लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट मुझे देखना पड़ेगा, बट G1 इज डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट. ठीक है, PMAT में से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, ध्यान नहीं मेरे को, नहीं लिखा NCERT में तो मैंने इसलिए याद नहीं किया हुआ, तो अगर क्वेश्चन आया तो फिर देखना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं उसको देख के फिर बाद में रख लेना. ठीक है, बट प्रोफेज सबसे पहला है अगर NCERT में नहीं लिखा ना, बट ठीक है मैं प्रोफेज को करूँगा अगर मेरे को टिक करना हुआ तो, बट लेकिन कौन सा होगा मुझे देखना पड़ेगा. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मायोसिस. अब मायोसिस होना जरूरी क्यों है, मायोसिस होना इसलिए जरूरी है, कहाँ है मायोसिस, ये रहा, ये रहा मायोसिस. सो कि आपका जो क्रोमोसोम है आपको पता है कि आपका एक सेट आया आपके मदर से, एक सेट आया आपके फादर से, तो अगर जो गैमेट्स हैं जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं अगर वो दोनों ही डिप्लॉयड होते तो फिर जो रिजल्टिंग जायगोट बन रहा है उसमें तो फिर 4 sets हो जाएंगे ना, वो नहीं चाहते हम. हम चाहते हैं कि 46 अगर ह्यूमंस में है तो हर एक जनरेशन में 46 ही रहे, वे जनरेशन के साथ क्रोमोसोम नंबर चेंज ना हो. इसलिए मायोसिस होता है कि मेल्स में ये 46 से 23 बन के स्पर्म बन जाएगा, फीमेल्स में 46 से 23 हो के ओसाइट बन जाएगा, और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 23+23 दोबारा 46 हो जाएंगे. ठीक है, so meiosis is a specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half by the formation of haploid daughter cells jinko hum gametes bol lete hain. theek hai, so inhone likha hai ki we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. theek hai, humne padh liya ki this leads to formation of haploid gametes. so the key features of meiosis kya hai, ki meiosis involves 2 sequential cycle of nuclear and cell division called the meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. ये लिखा है, ठीक है? 2 cycles of cell division, but only a single cycle of DNA replication. Then meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. ठीक है? फिर है meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes. ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा बता देता हूँ कि होमोलोगस का क्या मतलब होता है.
होमोलोगस का मतलब होता है कि नियरली सेम सेम साइज क्रोमोसोम का और जो सेम पोजीशन पे सेम जीन है, कि मानो आई कलर का जो जीन है आपके, अगर वो इस क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे है तो जिसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसकी भी इसी पोजीशन पे ये सेम जीन होगा, ठीक है, और दोनों क्रोमोसोम रफली इक्वल लेंथ के होंगे, तो वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है. और रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आगे देखेंगे हम. देन फोर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मायोसिस टू. चलो मायोसिस हमने डिवाइड किया वो मायोसिस वन मायोसिस टू में, मायोसिस वन में फिर वही प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टेलोफेज वन, मायोसिस टू में प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टेलोफेज टू. मेन है प्रोफेज वन जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू माइटोसिस, ठीक है, तो हम प्रोफेज वन को बहुत ढंग से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे. चलो मायोसिस वन का प्रोफेज वन, सो प्रोफेज वन इज लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज वन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है. सो इट इज सब डिवाइडेड इन टू फाइव फेजेज based on chromosomal behavior, कौन कौन से होते हैं, leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis. तो हम start करते हैं leptotin से. Chromosomes become gradually visible under the light microscope. कि chromosome अब दिखने शुरू हो गए, यानी कि condensation चल पड़ी है, ठीक है. So the compaction of chromosome continues through leptotin. इसके बाद second stage आती है zygotin. Zygotin में क्या होता है, the chromosome starts pairing together, जिसको synapses बोल देते हैं. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. और जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखी तो हमें चला पता कि chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad. ये देखो, ये एक क्रोमोजोम है, रेड शेप में है, इसका एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है. ऐसे इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो नीचे ब्लू शेप में है, उसका एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये वाला है. तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते हैं तो वो बनता है टेट्राड, ठीक है, बाइवेलेंट या टेट्राड. और ये रहा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. अब जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में क्रोमेटिड है, जैसे ये दोनों हो गए या ये दोनों हो गए, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, वो किसके बीच में होता है, वो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, ठीक है. चलो अब ये जो क्या कहते हैं बाइवेलेंट बना है, टेट्राड बना है, ये मोर क्लियरली विजिबल होता है पैकेटिन में, एंड द पैकेटिन इज लॉन्गर देन स्टेज वन और स्टेज टू, ठीक है. सो द फोर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स, ठीक है ना. यही डिफरेंस आ गया, मैं यही थोड़ा सा माइटोसिस से डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, कि यहाँ तो क्या हो रहा है, माइटोसिस में भी सेम था, माइटोसिस में भी ये दो क्रोमोसोम थे और फिर उन्होंने डुप्लीकेट किया था तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ था कि ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है, सॉरी क्या कहते हैं, जो एम क्या नाम था उसका, स्टेज का नाम कैसे भूल सकता हूँ, मेटाफेज, हाँ, तो मेटाफेज में मिडल में आ गए थे ना दोनों, तो ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम था ये यहाँ से उठ के मिडिल में आ गया था और फिर अल्टीमेटली इन दोनों के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो गए थे, तो एक यहाँ आ गया था, एक इस सेल में आ गया था. बट मायोसिस में क्या डिफरेंट है, मायोसिस में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं टेट्राड, ठीक है. तो ये यहाँ आने की जगह ये इसके साथ आके चिपक गया, ठीक है. So the four chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appears as tetrad, characterized by the appearance of recombinant nodules. Recombinant nodules kya hoti hain? The sites where crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. Ye dekho, ye do homologous chromosome hai. Ye hai jahan pe kya kehte hain crossover hoga, yani ki jahan pe genetic material change hoga. Aur ye jo X shape structure ban raha hai, isko chiasmata bolte hain. ठीक है. जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ठीक है. और एंजाइम कौन सा था, रिकॉम्बिनेज, कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है एक एंजाइम कराता है. कल हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे फिजिकल कोई रिएक्शन है चाहे केमिकल रिएक्शन है, सब कुछ एंजाइम मीडिएटेड होते हैं, तो ये भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड है. सो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर.
लास्ट में जब पेक्रीन खत्म हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर की जो साइट है वहां से लिंक है, ठीक है, उसके बाद आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। कि जहां पे क्रॉस ओवर हुआ है यहां से क्या कहते हैं वो अटैच्ड है, बाकी हर जगह से वो अलग हो चुका है, ठीक है। और जो एक्स-शेप स्ट्रक्चर अकाउंट का इसमें हमने बताई दिया, इन ओसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स। ये है आपके मतलब का क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ओसाइट्स किस स्टेज में रहता है, तो आपको याद बोलना है डिप्लोटीन ऑफ मेयोसिस वन, ठीक है, या डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज वन। किसी में पूछा गया, ऑप्शन में प्रोफेज वन भी आ सकता है, ऑप्शन में डिप्लोटीन भी आ सकता है, ऑप्शन में मायोसिस वन भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मतलब ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हो गया कि मान लो मायोसिस वन बोल दिया, मायोसिस टू बोल दिया, माइटोसिस बोल दिया, नन ऑफ द अबव, तो मायोसिस वन हो जाएगा आंसर। प्रोफेज वन बोल दिया, प्रोफेज टू बोल दिया, मेटाफेज वन, मेटाफेज टू, तो प्रोफेज वन हो जाएगा। या फिर डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन या जाइगोटीन, तो आंसर डिप्लोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज करेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फाइनल स्टेज क्या है, मायोटिक प्रोफेज वन की डायकाइनेसिस। इसमें क्या है कि जो काइसमेटा बना है इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। सो ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मायोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब इनकी सेपरेशन शुरू होने वाली है, ठीक है, ये अलग हो गए दोनों, और ये देखो ये लिंक जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था वो इस वाले का इधर आ गया, इस वाले का इधर आ गया। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एवोल्यूशन इसी के बेस पे चलेगा। एवोल्यूशन को यही चाहिए कि थोड़े चेंजेस आते रहे, ठीक है। एवोल्यूशन अगर कोई भी स्पीशीज सेम रहेगी तो स्पीशीज ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए एवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है ये। तभी जो आपके सिबलिंग्स हैं, कि आपके भाई बहन हैं, इवन तो आपके मदर एंड फादर बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी आप दोनों में वास्टली डिफरेंस आ सकते हैं, कि कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी की आई किसी कलर की होगी, किसी की आई डिफरेंट कलर की होगी, ड्यू टू दिस प्रोसेस। क्योंकि आपके सिबलिंग के केस में कोई और जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया होगा, आपके चेंज में कहीं और से हो गया, तो वो रैंडम है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डायकाइनेसिस क्या है, मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइसमेटा, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मायोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। बाय द एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक्स डाउन, ठीक है। डायकाइनेसिस से शुरू होता है फिर मेटाफेज, मेटाफेज वन। मेटाफेज वन वही, द बायवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर, ठीक है। अभी जब मैं डायग्राम देखूंगा तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर एनाफेज वन, एनाफेज में द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विद एट देयर सेंट्रोमियर्स। ये डिफरेंट डिफरेंस है बिल्कुल, मेटाफेज जो उसका था माइटोसिस का था, और एनाफेज जो था बिल्कुल अलग है, ठीक है। टेलोफेज में क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। The chromosomes do undergo some dispersion, but they do not reach the extremely extended state of the interphase nuclei. जो interphase nuclei में से बहुत सारे entangled थे ना बिल्कुल straight होके, वो इतना नहीं पहुँचते, थोड़ी सी dispersion start होती है, but लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी division start होने जाती है। So the stage between the two meiotic division is interkinesis, which is followed by prophase 2. तो ये देख लो, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था कि वो एक साथ एक इक्वेटोरियल प्लेन में थे, यहाँ एक में नहीं है, यहाँ ऐसे पैरेलल खड़े हैं। फिर वहाँ के एनाफेज में क्या था कि दो ऐसे क्रोमोसोम थे, इसका एक पार्ट यहाँ चला गया था, एक पार्ट यहाँ चला गया था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों क्रोमेटिड जा रहे हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों जाएंगे, ठीक है ना। और टेलोफेज में फिर दो सेल बन गए, और द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज इंटरकाइनेसिस व्हिच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। अब जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 2 है वो बहुत सिमिलर है क्या नॉर्मल माइटोसिस के, वे बिल्कुल इजी है समझने। प्रोफेज 2 में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स बाय द एंड, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, ये जो थोड़े से डिस्पर्स हो गए थे दोबारा कॉम्पैक्ट बन जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा, दोबारा से ये देखो ये क्रोमोसोम फिर अलाइन करेंगे, है ना, दो सेल दोनों क्रोमोसोम अलाइन करेंगे। एनाफेज में क्या होगा कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, एक एक पोल पर चले जाएंगे, और लास्ट में क्या हुआ कि चार हैप्लोइड सेल बन गए, है ना। सो मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूबुल्स टच द काइनेटोकोर, एनाफेज 2 में साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, टेलोफेज 2 में द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप
cytokinesis follows, resulting in the formation of a tetrad of cell, four haploid daughter cells. चल, ये बात हो गई मायोसिस टू की. अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस की. सो जो मैंने पहले बताया, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. की जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करना है, तो उसको कंजर्व के लिए, कंजर्वेशन के लिए मायोसिस बहुत जरूरी है. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन. ठीक है, सो ये हो गया मायोसिस. अब इसमें जिसके जो डाउट्स हैं वो पूछो, फिर हम बात करेंगे कल के डाउट्स थे, कल के कुछ डाउट्स उनको बाद में लोगों ने बोला था कराने को. मेटाफेज वन एंड मेटाफेज टू डिफरेंस क्या, डिफरेंट कैसे है? मेटाफेज वन में क्या हो रहा है कि जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो आपस में अटैच है. दिखा देता हूँ मैं आपको एक मिनट, ये देखो मेटाफेज वन में ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये अभी भी साथ में अटैच है और ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, ऐसे सेपरेट नहीं हुए. बट मेटाफेज टू में ये दोनों सेपरेट हो गए कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा. ठीक है, सो ये डिफरेंस है मेटाफेज वन एंड मेटाफेज टू में. मेटाफेज टू जो है वो सिंपल माइटोसिस के मेटाफेज को रिजेंबल करता है. प्रोफेज वन में टोटल बाइवेलेंट्स 23 होंगे. प्रोफेज वन है सबसे पहले वाला जब बाइवेलेंट बन रहे हैं. सर अगर न्यूरॉन्स जी नॉट फेज में होते हैं तो वो वापस डिवाइड क्यों नहीं करते इंजर होने के बाद भी? यार जी नॉट फेज से दोनों सकते हैं. जी नॉट फेज टर्मिनल फेज भी होता है कि जो सेल जी नॉट टर्मिनल फेज में चला गया वो दोबारा नहीं आएगा. बट जी नॉट मोस्टली क्विसेंट स्टेज होता है जहाँ पे डिविजन हो सकती है. ठीक है, तो जी नॉट दोनों तरीके का है कि वहाँ से सेल टर्मिनल भी जा सकते हैं कि कभी डिवाइड करेगा ही नहीं, या फिर वहाँ से ऐसा भी हो जाता है कि क्या कहते हैं वो भी करेगा, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर सकता है, जैसे कि लीवर हो गया हमारा. लेकिन हम आगे जो साइंस बढ़ रही है, मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्कियां कर रही है, तो मेडिकल साइंस में कि ये आ रहा है नेक्स्ट कि हम जी नोट जो टर्मिनल डिफरेंशिएशन है कि न्यूरॉन्स हैं कार्डियोसाइट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें, उनको कुछ ऐसे हम क्या बोलते हैं एनवायरमेंट दें कि जिससे वो डिवाइड करना शुरू हो जाए. तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ टाइम में अभी 10-15-20 ईयर्स डाउन द पाइपलाइन आप देख पाओ कि हम नया नया हार्ट ही बना रहे हैं. बिल्कुल कि किसी का अगर मान लो हार्ट फेलियर है या MI है तो हम उसका एक सेल लेंगे, उसको डिवाइड करवाएंगे, पूरा हार्ट बनाएंगे और फिर वो हम इम्प्लांट कर देंगे. और क्योंकि वो उसके खुद के DNA से बना होगा तो हमें कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेशन या इम्यूनो मतलब क्या कहते हैं इम्यूनो रिडक्शन की उसका इम्यून रिएक्शन थोड़ा कम कर दें, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो ये हमारी लाइफ टाइम ही हो जाएगा होपफुली. माइओसिस इज इम्पोर्टेंट ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. हाँ, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही तो यही हो रहा है ना कि एक गैमेट मेल से आ रहा है, गैमेट फीमेल से आ रहा है, फिर दोनों बनकर जायगोट बना रहे हैं. तो इसलिए वहाँ पे डबल हो रहा है, तो इसलिए पहले हाफ करना जरूरी है कि जो टोटल है वो डबल ना हो जाए, कि n2n ही रहे. ठीक है, तो 2n से पहले nn हो जाएगा, फिर 2n मिलके दोबारा 2n बना देंगे. चलो कल वाले पूछ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, कल वाले डाउट पूछने से पहले. सर तो आए नहीं है तो एन्यूप्लॉइडी बता दो. एन्यूप्लॉइडी और ये सब ना यार जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा. ठीक है, तो आगे जंप मत करो, जो भी चल रहा है उसको करते हैं. क्रोमोसोम्स के आगे बहुत सारा कुछ आएगा. ठीक है, एन्यूप्लॉइडी वहाँ आ जाएगा, मैं बता दूंगा. तो चलो अब हम कल वाले डाउट्स थोड़े कर लेते हैं. तो जिसको अगर हो गया क्लियर तो वो जा सकता है, बाकी मैं कल वाले डाउट्स लेता हूँ. तब तक आप किधर वाले डाउट्स भी लिख के रख दो, मैं बाद में बता दूंगा आपको. अभी कल वाले डाउट्स पहले शुरू कर लेते हैं, लोग काफ़ी जैसे पूछने लगे हैं. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पूछा किसी ने, और एक किसी ने मुझसे पहले पूछा था. तो हमने देखा था कि जो एंजाइम है टेम्परेचर और pH के अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर भी एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है. तो मैंने इसका एग्जाम्पल क्या देके बताया था, शुरू से ध्यान से समझना. ठीक है, सो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि आप मान लो कि आपके पास एंजाइम के लिमिटेड मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास सिर्फ 1000 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि सब्सट्रेट हमने डालना शुरू ही किया है. यहाँ पे सब्सट्रेट कितना है, 0 है. अब मैंने सब्सट्रेट 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो जो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे इससे बाइंड कर जाएंगे. हम पहले बता देते हैं कि एक सब्सट्रेट से एक एंजाइम बाइंड करके जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, इस सारे टाइम को एक्स टाइम लग रहा है, इस सारे प्रोसेस को एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है. तो अगर 100 सब्सट्रेट
से 100 एंजाइम आके जुड़ेंगे, उसको भी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ही लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअली एक सब्सट्रेट से एक एंजाइम मॉलिक्यूल आगे जुड़ रहा है ना, तो एक साथ ऐसे 100 कॉम्प्लेक्स बन के फटाफट कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने 200 डाले, तो जो बचे हुए 900 में से 200 और आके अटैच कर गए इससे, ये भी एक्स में जाएगा। ऐसी 500 हुए, जब 500 हुए तो 500 हो गए, ये भी एक्स में हो गया। 1000 हुए तो अब क्या हुआ कि 1000 एंजाइम थे, 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे, 1000 ही सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने एंजाइम मॉलिक्यूल थे सारे सैचुरेट हो गए सब्सट्रेट से, इसको लगेगा एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो एक्स ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बढ़ता जा रहा है ना। इनिशियली जब 100 डाले थे, 100 वो बना था, तो 100 प्रोडक्ट बना था एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। फिर 200 प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल बने थे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, ऐसे 500 बने थे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, फिर 1000 बने थे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। सो जो डी पी बाई डी टी है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो कब तक बढ़ेगा, जब तक कि मैक्सिमम रेट ना पहुंच जाए। मैक्सिमम रेट कब होगा कि एक्स अमाउंट में 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल ने 1000 सब्सट्रेट को 1000 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो है ये रेट। अब अगर मैंने 1500 सब्सट्रेट डाल दिए, तो 1500 सब्सट्रेट के लिए अभी भी 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल ही है ना, सो वो 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल इन 1500 सब्सट्रेट में से 1000 के साथ बाइंड कर जाएंगे और 1000 प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन जो 500 बचे हुए सब्सट्रेट मॉलिक्यूल हैं, उनको वेट करना पड़ेगा कि जब ये जो 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल जो अभी यहाँ पे बिजी है वो फ्री होंगे, तो उनमें से कुछ 500 आके यहाँ पे अटैच होंगे। सो जो रेट ऑफ वो है रिएक्शन है वो चेंज नहीं किया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमारा जो रेट है एक वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम है एक पॉइंट पे, वो कब तक है, जब तक कि सैचुरेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं हो जाती। ये सारे एंजाइम मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, अगर इसके ऊपर मैंने एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम ही फ्री नहीं है मेरे पास वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। चलो दूसरा था कोफैक्टर, किसी ने पूछा था। सो कोफैक्टर क्या थे, कोफैक्टर कुछ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एंजाइम के, जो बहुत जरूरी होते हैं एंजाइम फंक्शन के लिए। हमने ये देखा है कि अगर हम एंजाइम, जिस एंजाइम में कोफैक्टर होता है, अगर हम उस कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो फिर वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर चाहिए होता है, उनका जो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम है उसको हम एपोएंजाइम बोलते हैं, प्लस द कोफैक्टर, वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक्टिव एंजाइम। कोफैक्टर तीन तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, या मेटल आयन हो सकता है। इन दोनों में से प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम बोथ आर ऑर्गेनिक एंड मेटल आयन, मेटल नाम नहीं है तो इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में मेन डिफरेंस क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा टाइटली बाउंड होगा विद द एपोएंजाइम, चाहे रिएक्शन हो रही है रिएक्शन नहीं हो रही, वो हमेशा साथ में बाउंड करके रहेगा, ठीक है, बाइंड रहेगा। लेकिन कोएंजाइम क्या है कि जब रिएक्शन होगी वो सिर्फ तब बाइंड करेगा, जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगी वो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। सो देयर एसोसिएशन इज ओनली ट्रांजिएंट, जब भी रिएक्शन कर रहा है तब भी वो बाइंड करेंगे, ठीक है, ये डिफरेंस है। और मेटल आयंस थे इनऑर्गेनिक हैं, और वो क्या करते हैं, वो साइड चेन्स बनाते हैं विद द रिएक्टेंट एंड विद द एक्टिव साइट एट द सेम टाइम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये मेटल आयन है, तो इसने यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, फिर रिएक्शन करवाएगा, मतलब दिस एंजाइम एंड दिस मेटल आयन मिलके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। चलो होपफुली समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कोई पूछ रहा है कोल्चिसिन होता है, कोल्चिसिन अफेक्ट्स विच फेज इन सेल डिविजन। कोल्चिसिन होती है एक प्लांट से एक्सट्रैक्टेड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जो हम यूज करते हैं कैंसर्स में या ऐसे किसी डिजीज में जहां हमें सेल डिवीजन रोकनी हो। कोल्चिसिन करता है क्या, स्पिंडल फाइबर को कट कर देता है, जो स्पिंडल फाइबर जो उसको अलग कर रहे हैं ना, उनको कट कर देगा, तो मेटाफेज में अरेस्ट कर देगा सेल को। क्योंकि हमने क्या देखा था कि मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच हो गए और वहां पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, उससे नेक्स्ट स्टेज में क्या होना था, एनाफेज में वो दोनों खींच के इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। लेकिन कोल्चिसिन ने क्या किया कि उन स्पिंडल फाइबर को कट कर दिया, तो जो सेल है वो मेटाफेज में परमानेंटली फंस जाएगा, ठीक है। प्लीज सर एक्सप्लेन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कुछ नहीं है यार, कैरियोकाइनेसिस है न्यूक्लियर की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस है सेल की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो जब दो न्यूक्लियस बन गए, एक स्पोल पे एक स्पोल पे, तो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है ना। तो प्लांट्स एनिमल सेल्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से बाहर से अंदर डिवाइड होना शुरू होता है, ऐसे फरो बनता है, और जब भी आपस में रीच कर जाते हैं दो सेल बन जाते हैं अलग अलग, फिर इन दोनों की अलग ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। प्लांट्स में उल्टा होता है, प्लांट्स में सेंटर से बनती है वॉल, जब ये यहाँ पहुंच जाती है टर्मिनल, तो फिर दो सेल अलग हो जाते हैं, ठीक है।
हाउ टू इंक्रीज हाइट फास्ट, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? हाइट ऐसे इंक्रीज नहीं करती, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, अगर आपके मम्मी पापा लंबे हैं तो ज़्यादा चांस आपके लंबे होने के, बट स्टिल अगर अगर पापा मम्मी लंबे हैं फिर भी आप छोटे हो तो एक कारण हो सकता है प्रोटीन डिफिशियंसी, तो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के बाद बढ़ सकती है हाइट, ठीक है, बट वो एज पे भी डिपेंड करती है, इफ़ यू आर अ गर्ल तो 17-18 के अराउंड आपकी हाइट फिक्स हो चुकी है, अब नहीं बढ़ेगी, और अगर बॉयज़ हैं तो अराउंड 20-21 तक बढ़ सकती है, ठीक है। इंटर्नशिप में कितनी सैलरी मिलती है? इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलती, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है, वो डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में या पेरिफेरल में स्टेट में हो। सेंट्रल में 23,500 पर मंथ है, और स्टेट में है किसी में 20 है, किसी में 15 है, किसी में 10 है। पोस्टिंग कब चेंज होगी? पोस्टिंग चेंज हो चुकी है, कल से मुझे जाना है तो ज़्यादा काम होगा थोड़ा, तो हो सकता है कि किसी दिन क्लास ना हो, किसी दिन सिर्फ 1 घंटे की हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले थोड़ा बता दिया करूँगा जिस दिन मैं क्लास ले पाऊंगा। तो इसके बाद हम इस सब्जेक्ट को कम करेंगे, मतलब 11th का मोस्टली हम कर चुके हैं, अब हम 12th की जूलॉजी स्टार्ट करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट समझने वाले चैप्टर है, उसके बाद अगर टाइम बचेगा उसके बाद फिर मैं 11th की बॉटनी या जो बचे हुए एनिमल किंगडम है ये सब है, जो फालतू के चैप्टर हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं तब करा दूंगा, बट अभी हम 12th के जो समझने वाले चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, इनको सबसे पहले करेंगे, फिर इकोलॉजी करेंगे, ठीक है। कितने टाइम जाना होता है यार, डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट है, अभी मेरी मई मार्च अप्रैल सॉरी अप्रैल मई जून में रूरल पोस्टिंग थी, रूरल पोस्टिंग में तो 48 आवर ड्यूटी होती है, कि 48 आवर आप ऑन कॉल है, जब भी पेशेंट आएगा आप जाओगे, आपके भरोसे ही पूरा हॉस्पिटल चलेगा, लेकिन अभी मेरी लास्ट मंथ पीडियाट्रिक्स थी जुलाई में, तो पीडियाट्रिक्स में वही कुछ 4-5 घंटे जाके भी 3-4 घंटे कहाँ के चल जाता था काम। अभी गाइनी है, ऑप्स गाइनी में देखते हैं, मतलब होपफुली वीक में 2-3 दिन जाना पड़ा पड़ा करेगा 12-12 आवर्स के लिए, बाकी टाइम 7-8 आवर्स।